आईपीएल की एंडिंग आ चुकी है एंड इसके बाद तुम लोग में से बहुत सारे लोग जियो सिनेमा को डिलीट करने वाले हो, लेकिन मुकेश भाई सिटिंग इन द कॉर्नर एंड बोल रहा है कि ऐसे कैसे, क्योंकि मुकेश भाई अब सीधा टक्कर देंगे नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी वालों को। वो कैसे? तो वो ऐसे कि अगर तुम लोग जियो सिनेमा का 999 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके माध्यम से तुम लोग HBO का जितना भी सीरीज है और मूवीज है वो देख सकते हो। लेकिन भाई लोग, मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन तो फ्री है ना, तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतना भी क्या भाव खाना। अभी तुम लोग में से बहुत से छपरी नल्ले बेरोजगार लोग बोलेंगे HBO में क्या है, तो भाई लोग हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज और उसकी अपकमिंग सीरीज एंड वर्ल्ड की नंबर वन वेब सीरीज वन एंड ओनली गेम ऑफ थ्रोन भी देखने को मिलेगी। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन की हिंदी डब सिर्फ 3 सीजन तक ही अवेलेबल था, लेकिन जियो सिनेमा पे इसका पूरा 8 सीजन तक का तुम लोग को हिंदी डब देखने को मिलेगा, वो भी नए तरीके से। एंड DC की सुपर हीरोज की पूरी मूवी देखने को मिलेगी इसके ऊपर। और अभी भी तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो तो तुम लोग को बता दूं, द शोशंक रिडेप्शन, द मैट्रिक्स, द डार्क नाइट, इंसेप्शन जैसी फाड़ू मूवी देखने को मिलेगी। और एक शॉर्ट नोट दे दूं कि HBO एंड DC पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस डील के बाद जियो सिनेमा में तुम लोग इन दोनों चीजों को साथ में देख सकते हो। और ये तो था हॉलीवुड, लेकिन जियो सिनेमा पे जो भी इंडियन मूवीज रिलीज होगी वो तुम लोग को फ्री में देखने को मिलेगी, क्योंकि मुकेश भाई इंडियन भाई लोगों से बहुत प्रेम कर रहे थे। एंड इंडिया की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज असुर सीजन 2 भी रिलीज हो चुकी है। एंड इसके साथ ही साथ शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड एक्शन मूवी ब्लडी डैडी भी रिलीज होने वाली है इसके ऊपर, एंड वो भी फ्री, समझ रहे हो। ये मूवी सिनेमा में रिलीज नहीं हुई है और ये मूवी को जॉन विक के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन ये मूवी तुम लोग को फ्री में देखने को मिलेगा, वो भी 7 जून को। तो अब मुकेश भाई सबके घर पे 11 पेटी भिजवाए क्या? क्योंकि इतने सारी चीजें देने के बाद भी अगर तुम लोग जियो सिनेमा को डिलीट करते हो तो इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। एंड हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, तो तुम लोग जियो सिनेमा को डिलीट करो या नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये वीडियो स्पॉन्सर भी कैसे होगी, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग स्पॉन्सर कैसे करेंगे, तो कर दो यार। तो देखो यार, जियो सिनेमा अब सीधा बड़े OTT प्लेटफॉर्म को टक्कर देगा, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मुकेश भाई इस फील्ड में भी झंडे गाड़े? और अगर हाँ तो कमेंट के जरिए जरूर बताना। एंड मैंने 12वीं मूवी के मेन ट्रेलर पे रिव्यू किया, तो जाके देखना जरूर। तो बस दोस्तों, फिर कभी मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मैं बाय बाय।